कक्कू की किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है, जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है, यानी कि हमारे प्रिय ठाकुर जी कान्हा जी का जन्मदिन। तो क्यों ना कान्हा जी के जन्मदिन पे उनके पसंद का भोग बनाया जाए। भोग में हम बनाएंगे धनिये की पंजीरी, सूखे मेवे की खीर, पंचामृत और बनाएंगे माखन मिश्री, जो कि उनको सबसे प्रिय है। तो आइए बनाते हैं कान्हा जी का भोग। धनिया की पंजरी बनाने के लिए मैंने लिया है 1/4 कप धनिया, पिसी हुई चीनी, इलायची पाउडर, बादाम की कतरन, पिस्ता और काजू की कतरन। तो आइए बनाते हैं पंजीरी। गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और ये जो धनिया लिया है इसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से जो भी इसमें नमी होगी वो सारी निकल जाएगी। आपके पास अगर पिसा हुआ धनिया है तो वो भी ले सकते हैं। मेरे पास ये साबुत धनिया था तो मैंने ये ले लिया, पर साबुत धनिया काम में लेने से पहले एक बार आप इसे बीन लें, जिससे कोई भी इसमें कंकर हो तो वो हटा दें, उसके बाद ही इसे रोस्ट करें। बस हल्का ही हमें रोस्ट करना है। गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे 2 मिनट ठंडा होने देंगे, फिर हम इसे ग्राइंडर जार में पीस लेंगे। धनिया ठंडा हो गया है, अब हम इसे पीस लेंगे। देखिए इस तरह से हमने ये पीस लिया है, फाइन पाउडर बन गया है। अब इसे मैं वापस कढ़ाई में डाल दूंगी। गैस की फ्लेम ऑन कर लेंगे। 1 चम्मच इसमें घी डालेंगे गाय का। अब इसे हल्का सा वापस से भून लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। गैस ऑफ कर देंगे और इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम ये पिसी हुई चीनी, इसको मिक्स कर लेंगे, काजू, बादाम, पिस्ता और इलायची पाउडर, इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पंजीरी से पेट का डाइजेशन भी ठीक रहता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं रहती। तैयार है हमारी पंजीरी। पंचामृत बनाने के लिए मैंने 1/2 कप कच्चा दूध लिया है, गाय का दूध है, 1 कप ताज़ा दही, दही खट्टा नहीं होना चाहिए इसमें, 4 चम्मच पिसी हुई चीनी। मैंने चीनी को पीस लिया था, तो आप चीनी या बूरा जो भी लेना चाहे वो ले सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको मालूम है इसका नाम पंचामृत है, जो 5 चीज़ों से बना हुआ हो उसे पंचामृत कहते हैं। इसमें विशेष दूध, दही, शहद, घी और बूरा या चीनी, ये चीज़ें होती है। इससे ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। अब इसमें हम ये काजू बादाम और पिस्ता की कतरन डालेंगे, थोड़ा शहद, ¼ चम्मच करीब मैंने शहद डाला है, 1/4 चम्मच ही घी, इलायची पाउडर, पानी मैंने बिल्कुल भी काम में नहीं लिया है। अब इसमें आप यदि और डालना चाहते हैं तो गंगा जल हो तो वो भी डाल सकते हैं, मखाने, और फिर आप अपने स्वाद अनुसार कुछ भी डाल सकते हैं, पर ये पंचामृत तैयार है। 2 तुलसा के पत्ते, ठाकुर जी के भोग के लिए हमारा पंचामृत तैयार है। कान्हा जी के मक्खन का भोग लगाने के लिए मैंने 2-3 दिन की मलाई रख ली थी दही की, अब इसका हम मक्खन बनाएंगे। अब इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे जिससे मक्खन जल्दी से आ जाएगा। इससे ढक्कन लगा के हम ग्राइंड कर लेंगे।
आप देख सकते हैं मक्खन अलग हो गया है और ये छाछ अलग हो गई है। तो अब हम इसमें से मक्खन निकाल लेंगे। अगर गर्मी का मौसम है और आप मलाई से मक्खन निकाल रहे हैं तो इसे ठंडा ही काम में लें या आइस क्यूब डाल दें तो जल्दी से मक्खन आ जाएगा, और सर्दियों में बना रहे हैं तो थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना पानी डालें जिससे जल्दी से आपके मक्खन निकल जाएगा। इसमें जो एक्स्ट्रा और छाछ थी वो निकाल दिए और ये मक्खन मक्खन रह गया है। अब इसमें हम मिश्री डाल देंगे। अब एक पत्ता तुलसी का रखेंगे क्योंकि कोई भी प्रसाद तुलसी के बिना अधूरा रहता है। सूखे मेवे की खीर बनाने के लिए मैंने लिया है 1/2 लीटर दूध, पिस्ता, काजू, बादाम, इलायची पाउडर, चिरौंजी, फूल मखाने और चीनी। तो सबसे पहले हम जो भी ये ड्राई फ्रूट्स है इनको सूखा ही रोस्ट कर लेंगे, यानी कि भून लेंगे। गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इसमें बादाम, फूल मखाने और काजू इन तीनों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे। हल्का सा भून के अगर हम खीर बनाएंगे तो इसका स्वाद बढ़ जाता है। बस इतना ही हमें भुनना था। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम ये दूध डाल देंगे। दूध में जब उबाल आने लग जाएगा तब हम इसमें चीनी डाल देंगे। दूध में उबाल आने लगा है, जब हम दूध को चला रहे हो तो जो साइड में कढ़ाई में लग जाता है इसे भी हमें हटाते रहना है बीच बीच में। दूध में अच्छे से उबाल आ गया है तो अब हम इसे 1 मिनट और उबलने देंगे जिससे थोड़ा ये गाढ़ा हो जाएगा। अब इसमें ये मैंने 4 चम्मच चीनी ली थी, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें ये जो हमने रोस्ट किए थे, भुने थे ड्राई फ्रूट्स, वो डाल देंगे। और ये चिरौंजी, इसे चारोली भी बोलते हैं, फिर से हम इसे 3-4 मिनट के लिए उबलने देंगे। मैंने इसमें काजू, बादाम, फूल मखाने डाले हैं और आप चाहे तो इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं। अब इसमें 5-6 मैंने केसर के लच्छे पानी में भिगो दिए थे तो ये डालेंगे। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें डालेंगे पिस्ता, इलायची पाउडर। अब हम इन सब का ठाकुर जी के भोग लगाएंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारे कान्हा जी के भोग। सूखे मेवे की खीर, माखन मिश्री का भोग जो कि कान्हा जी को सबसे ज़्यादा पसंद है, धनिये की पंजरी और ये पंचामृत। ठाकुर जी से प्रार्थना है कि वो इस भोग को स्वीकार करें, और आप सबसे भी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो लाइक शेयर ज़रूर से कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रसाद कैसा लगा।